तुम्हारा नाम मैंने अपनी लकीरों पर लिखवा लिया है खानी। अब तुम जितना चाहे लड़ लो, मैं तुम्हें इन लकीरों में उलझाता चला जाऊंगा और तुम उलझती जाओगी। मुझसे मोहब्बत करती चली जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं हर जगह छोटे मीर साहब के साथ था। बड़े मीर साहब, बात आगे बढ़ रही है। तोहफे भेजे जा रहे हैं, फूल भेजे जा रहे हैं, मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वो जहां जहां जाती है, छोटे मीर साहब साये की तरह उसके पीछे होते हैं। और कोई काम ही नहीं है। ओह माय गॉड, दिस बॉय इज गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। वो लड़की कुछ भी कर सकती है, किसी से बात कर सकती है, लोगों को बता सकती है, मीडिया में खबर कर सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल। वो लड़की मर भी तो सकती है। नहीं निशा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। आपको याद है हादी ने उस दिन क्या कहा था? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करूं? उसकी धमकियों से डर जाऊं? जो वो बेवकूफियां कर रहा है उसको करने दूं? सीट छोड़ दूं अपनी में, बट्टी में मिला दूं अपनी इज्जत सारी? मैंने ऐसे कब कहा है? और क्या कह रही हैं आप? अब यही कह रही हैं ना कि हम अपने खानदानी तौर तरीके इस्तेमाल ना करें? ठीक है, नहीं अपनाते। हमारे खानदानी तौर तरीकों में एक्सीडेंट तो नहीं आता ना? लड़की एक्सीडेंट में तो मर सकती है। एक्सीडेंट में तो कोई भी मर सकता है। मीर हादी के दिल में बसी है वो लड़की, उसके दिल से तो नहीं निकल सकते। अगर उसकी जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।